साथियों, सीसामऊ विधानसभा में हो, कानपुर लोकसभा में हो, अभी मैं दादा को जब देखे तो बड़ा सुना कि नए अनुभव है आपको और बहुत सी चीजों पे आप बात कर रहे थे। इधर आ जाओ, उनके उनका धंधा चल रहे तो उनके धंधे के बारे में हम लोग बाद में बात कर लेंगे। अभी बहस हो रही थी 5 किलो अनाज पे, तो आप संतुष्ट नहीं है? वो तो कह रहे थे हम संतुष्ट पूरे। नहीं भैया, हम तो संतुष्ट इसलिए नहीं है कि 1 किलो गेहूँ मिल रहा है, 1 किलो गेहूँ कई दिन आदमी खा लेगा 1 किलो में, वो भी जो 28 ग्राम मिलता, 28 ग्राम मिल रहा है, हाँ, भी नहीं दे रहे, पूरा भी नहीं दे रहे हैं। वो 3 यूनिट का कार्ड है, उसमें भी 1 किलो हर महीने काट रहे हैं, 1 किलो काटते हैं, ये भ्रष्टाचार चल, हाँ। तो आप, अरे कई दफे शिकायत की हमने मगर कोई सुनवाई नहीं, सुनवाई नहीं हो रही। चलिए हम इस बात पे पोस्ट करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे जो भाजपा और कांग्रेस या बसपा कौन प्रत्याशी जीत रहे थे? यहाँ भाई साहब जीतेगा आलोक अवस्थी, आलोक मिश्रा कांग्रेस से। हाँ, बहुत से लोग तो कह रहे हैं हम बीजेपी को वोट करने जा, वो बीजेपी को वोट हम नहीं करने वाले, हम तो अब की प्रण कर लिया गया, अब की वोट चेंज करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अनिल है। हैं, ये लोग कहते हैं भ्रष्टाचार नहीं होती, आज 5 साल हो गए पेंशन भरे, इंक्वायरी भी हो गई और उसके बावजूद पैसे भी ले गए, लेखपाल पैसे भी ले गया, उसके बाद जो है हम चक्कर काट रहे हैं। पेंशन नहीं बनी अभी ना, 65 साल उम्र हो गई, 65 साल उम्र में पेंशन नहीं है। हाँ। तो आप त्रस्त आ गए बीजेपी सरकार? हाँ? बहुत हो गया, आ गए। पिछली बार किसको वोट किया था? हाँ? पिछली बार किसको किया था? बीजेपी को दिया था। इस बार नहीं देंगे? इस बार नहीं देंगे।